सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुशांत मौत के मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो पाएगा। सीबीआई दरअसल ये कैसे साबित करेगी कि रिया के उकसाने की वजह से ही सुशांत ने खुदकुशी की या फिर सुशांत का मर्डर किया गया है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को कैसे सुलझाएगी सीबीआई। वैसे आपको बताते चलें, अब तक जितने भी केस खुदकुशी से जुड़े हुए सीबीआई को सौंपे गए हैं उसमें उसका 0% कन्विक्शन रेट है, यानी कि खुदकुशी से जुड़े हुए मामले या मौत के लिए उकसाने के मामले में सीबीआई ने अब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं किया है और इसी वजह से यहां पर उसका 0% कन्विक्शन रेट है। जबकि ओवरऑल अगर बाकी केस को हम देखें तो उसमें तकरीबन 65 से 70% तक सीबीआई ने कई केसों को सुलझा लिया है जिसमें उसे बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन सुशांत मौत का मामला बेहद उलझा हुआ और इसी वजह से कई तरह की चुनौतियां सीबीआई के सामने हैं। अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सीबीआई के सामने दरअसल सुशांत की मौत के मामले में कहां कहां पेंच फंसा हुआ है और किस तरह से उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस केस को सॉल्व करने की। ऑफिशियल डेटा का आंकड़ा तो हमने आपके सामने रख दिया है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत जिस तरह से हुई है बिल्कुल वैसे ही जिया खान की मौत का मामला भी सामने आया था। मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी, परिवार वालों ने ये कहा कि दरअसल जिया खुदकुशी कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या की गई है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। 2017 से ही सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। महत्वपूर्ण ये भी है, आपको बताते चले, सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट भी फाइल की लेकिन अभी तक उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इस पूरे मामले में आरोपी सूरज पंचोली हैं लेकिन उनको भी लेकर कुछ खास सीबीआई की टीम साबित नहीं कर पाई। 2017 से ही इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा है लेकिन अब तक मामला साफ नहीं हो पाया है क्योंकि जिया खान की मां राबिया खान की ओर से सीधी सीधी ये कहा गया कि दरअसल ये खुदकुशी नहीं बल्कि जिया की मौत का मामला है, हत्या का मामला है और पूरे मामले को सुलझाने में पुलिस की कोशिशें उस अंजाम तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल आपको बताते चलिए, अभी हाल ही में सुशांत मौत का मामला सामने आने के बाद जिया खान की मां राबिया खान से आज तक ने की है खास बातचीत और उसमें उन्होंने एक तरफ जहां सुशांत मौत के मामले को जिया खान से जोड़कर देखा और इन दोनों केस को एक साथ देखने से उन्हें लगा कि दरअसल बहुत सारी सिमिलरिटीज यानी कि समानताएं हैं दोनों ही केस में। इसी वजह से उन्होंने कहा कि दरअसल सुशांत का मामला भी खुदकुशी का नहीं है।